नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट पॉलिटिशियंस रमन जोत सिंह मीता जी, दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और आज इनके पास हम आए एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी की अक्सर पोल खोलते रहते हैं। दिल्ली में तो उन्होंने जो गदर मचा रखा वो आप सभी को बताया, अब उन्होंने कुछ हरकतें अब पंजाब में भी करना शुरू कर दी हैं और रमन जोत जी पंजाब से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ की राजनीति से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो आज के जो मुद्दे हैं, मैंने कहा इनसे बेहतर इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता। मुद्दा क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी की सरकार है जो कि आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री है वहाँ की, और अक्सर अपने हरकतों के चलते विवाद में रहते हैं। आज इनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो कि अपने आप में बड़ी ही गंभीर मुद्दे हैं और बड़ी ही गंभीर चीज़ें हैं। लेके उनको उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें कही हैं, उन सभी चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी घरेलू हैं तो उन चीज़ों पर हम ना जाते हुए, बट उन्होंने एक बात बताई जो ये कहा था उन्होंने कि भगवंत मान जी शराब पीकर अक्सर गुरुद्वारे में चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक धार्मिक स्थल पर, चाहे वो गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ पर शराब पीकर अगर आप जानबूझकर जा रहे हैं तो ये अपने आप में उस धर्म का अपमान है। तो रमन जोत जी, मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप पंजाब से भी जुड़े हुए, इस विषय में आपका अपना क्या कहना है? देखिए धर्मवीर जी, पंजाब से जुड़े हों चाहे कहीं से भी जुड़े हों, हम सबसे पहले तो हम एक सिख हैं और हर सिख का, हर उस इंसान का जो किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखता है, उसका एक फर्ज बनता है कि किसी भी धर्म स्थल पर शराब पीकर नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप एक सिख हैं और अपने सिर पर आप पगड़ी बांधते हैं और आप गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए ये तो। और ये कभी सपने में भी कोई, अगर सच में कोई गुरु घर को मानता है जो गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते पर चलना भी चाहता है, वो कभी भी ऐसी कोई शर्मनाक हरकत नहीं करेगा। पर जो पहले तो लोग कहते थे ये चीज़, पहले लोग ये बातें करते थे तो भगवंत मान जी कहते थे तो ये जी आरोप प्रतिरोप की राजनीति हो रही है। हालांकि कई बार उनकी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें वो शराब के नशे में इधर उधर भागते फिर रहे हैं, पर अब जब उनकी अपनी बेटी, देखिए मुद्दा चाहे घरेलू है पर उस बहन ने जो इल्ज़ाम लगाया वो बहुत ही गंभीर है और इसको बहुत ही संजीदा लेने की ज़रूरत है। लोग अक्सर ये बात करते रहे जो इनके करीबी रहे हैं भगवंत मान जी के, वो भी ये बात करते रहे हैं, और जो इनके आसपास राजनीतिक तौर पर रहे हैं उन्होंने तो सामने अपने सामने सारे तमाशे देखे हैं। और आप जैसे मीडिया के भाइयों ने भी देखा किस तरह इन्होंने मीडिया वालों को इनवाइट करा था, बाद में अपनी गाड़ी के पीछे ही छुप रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने बुलाकर इनको गलती कर दी। तो ऐसी हरकतें तो सामने इनकी पहले भी आ चुकी हैं पर लोग इसको राजनीतिक रंग दे के, इसको राजनीतिक तौर पर बोल के निकल जाते थे। ये लोग भी उस चीज़ को गलत बोल देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर इनकी जो बेटी खुद जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, हालांकि उसने इस वीडियो में अपना जिक्र भी करा कि वो ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, मतलब ये तक कहा कि ये कोई मेरा राजनीति से संबंधित, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बोला है। और इतने लंबे समय से उन्होंने चुप्पी रखी थी और जब, हालांकि वो भगवंत मान जी के साथ नहीं रहते पर फिर भी जब भगवंत मान जी सीएम बने थे मुझे याद है वो बाहर से उनकी ओथ सेरेमनी पर आए थे, शामिल होने आए थे, और उन्होंने उस बहन ने जिक्र भी करा कि जो भगवंत मान जी का जो बेटा है वो उनसे मिलने पिछले समय में चंडीगढ़ पहुंचा पर उसको घर में घुसने ही नहीं दिया गया, एक घुसने नहीं दिया बिल्कुल। और एक दिन जब बुलाया तो उसको रात को ये बोल दिया कि भाई तू चला जा यहाँ पे, तू यहाँ नहीं रह सकता। तो देखिए ये चाहे उनका घरेलू मुद्दा हो सकता पर जो उस बहन ने अपनी वीडियो में इस चीज का जिक्र करा कि वो शराब पीकर गुरु घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ये मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी शर्मनाक है जो उनके साथ 24 घंटे घूमते हैं और उनकी आकागिरी करते हैं और उनको खुश करने के लिए उनके तलवे चाटते हैं। मैं बोलूंगा उनको भी ये चीज सोचने की जरूरत है कि ऐसे इंसान के पीछे आप घूम रहे हो जो आपके पूजनीय स्थलों के ऊपर शराब पीकर जा रहा है, और ये आरोप किसी पार्टी ने नहीं लगाए हैं। और उस बहन ने भी अपना वीडियो के अंदर ये चीज खास तौर पर बोली है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मैं अब समझता हूँ कि कोई आदमी कितना भी गिराव क्यों ना हो, एक बड़े से बड़ा शराबी भी जानबूझकर कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाता। प्रिंस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा रमन जोत जी कि आप दिल्ली गुरुद्वारा सिख
मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं, तो इस मुद्दे को लेके अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप लोग किसी प्रकार का कोई केस या कुछ इस तरह करने जा रहे हैं उनके ऊपर? देखिए बिल्कुल, अगर इस चीज के प्रूफ हमारे सामने आते हैं तो हम बिल्कुल उनके ऊपर 295 का मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। और अगर ऐसी कोई वीडियो सामने आ जाती है जिसमें ये चीज प्रूव हो रही है जो उस बहन ने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में वो इन चीजों के प्रूफ भी देंगे और इन चीजों के बारे में और खुलकर बात करना चाहेंगे, तो दे हम भी इस चीज की वेट कर रहे हैं कि हमारे को ऐसा कोई प्रूफ मिले और ऐसे सीएम को, अगर सीएम होते हो ऐसी हरकत कर रहे हैं। देखिए पंजाब में मैं एक चीज पे खास तौर पे आपके ऑडियंस का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था हमारे जो पूजनीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनकी बेदबी का मुद्दा जी। जिसके ऊपर आप सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि हम इतने दिनों में इसको सजा दे देंगे उसको सजा दे देंगे, पर आज तक सिवाय इश्तिहारों के उन्होंने कोई काम नहीं करा। कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी करने वाले किसी दोषी को कोई सजा नहीं मिली है, कोई उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद जो आज पंजाब में लोगों का हाल हो रखा वो तो आप रोज मीडिया पे देख ही रहे हैं, सिवाय इश्तिहारों का कोई काम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई है वो ये है कि जो बंदा गुरु घर की बेदबी के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर सीएम बना है पर आज उस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल चुप बैठा है। अच्छा रमनजोत जी, एक बात मैं पूछना भी चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगा, आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या अगर कोई आदमी शराब पीकर जानबूझकर गुरुद्वारे में जाता है तो क्या गुरु ग्रंथ साहिब की बेद भी नहीं है? देखिए सर, ये बेद भी नहीं है, गुनाह भी है, एक बेद भी तो है ही है, ये उसके साथ साथ एक ऐसा गुनाह है जिसकी ना यहाँ माफी है ना उस घर में माफी है ना किसी घर में माफी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिस जगह से आप लोग मांगते हो, जिस जगह पर आप जाकर अपना माथा टेकते हो, अगर उस जगह पर आप जाके शराब पीकर जा रहे हो और ऐसी कोई हरकत कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ये कहीं पर भी किसी भी तरह से माफी के काबिल नहीं है। और जिस ओहदे पर वो है, जिस जगह पर उनको पंजाब की जनता ने विश्वास देकर बनाया है, वोटे देकर इतना बड़ा बहुमत देकर बिठाया है, उस जगह पर होने के बाद तो ये तो ऐसा काम है कि अगर इस चीज की वीडियो सामने आती है तो मैं तो कहता हूँ इनको गली गली में जूते मारने चाहिए। दोस्तों ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, भगवंत मान जी की बेटी ने जो आरोप लगाए अब ये कितने सही है कितने गलत ये तो समय बताएगा, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि अक्सर भगवंत मान जी अपनी शराब को लेकर चर्चा में रहे। कई पब्लिक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि वो पहले शराब पीते थे अब छोड़ दिए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आगे चल के पता चलेगा, इनकी बेटी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो आगे चल के पता चलेगा, परंतु अगर कोई मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का गंभीर और हरकतें करते हैं, इस तरह की वाहियत हरकतें करते हैं, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंस जी मैं चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि अब इस मुद्दे के लिए आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हम आम जनता से यही अपील करते हैं कि अगर ऐसे हालात में अगर ये किसी भी गुरु घर के आसपास भी अगर आपको दिखते हैं तो इनका डटकर विरोध करना चाहिए और इनसे इस बारे में जिस भी सभा में आज के बाद जाएं, इस वीडियो के आने के बाद जाएं, उस हर सभा में इनसे ये सवाल होना चाहिए कि आपकी अपनी बेटी आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, ये इसकी सच्चाई के बारे में इनको सफाई भी देनी चाहिए। और अगर ये बात सच है तो मैं पंजाब की जनता से अपील करता हूँ कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हर जरूरी कार्रवाई करें। दोस्तों इस गंभीर मुद्दे पे आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भगवंत मान जी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर क्योंकि पंजाब से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवंत मान जी शराब पीकर सच में गुरुद्वारे में जा सकते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है, खासतौर से रमनजोत जी ने जो बातें कही हैं उनसे आप कितने प्रभावित हैं, कितना सत्य उन चीज़ों को मानते हैं? अगर वीडियो सही लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स के रूप में जरूर दें। धन्यवाद।